हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। सब बच्चों बच्चों कैसे हो अर्जु? बच्चों कैसे हो? देखो आवाज आ रही है, पहले आवाज बताओ, बाकी ठीक है, बाकी सारा काम आवाज बताओ कैसी है। हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, ठीक है आवाज। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आवाज ठीक है? दसो बच्चों, चाय भी आ गई है? चाय भी नाल ना पीला नहीं। सर्दी बहुत है बच्चों। ओके ओके ठीक है, बढ़िया आवाज है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों जो अज का टॉपिक है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, टॉपिक जो अज का टॉपिक है, तुम्हें पता वो अपने को क्या है, भी असी अज ये पढ़ना बच्चों, ठीक है, ध्यान नाल। ओहो देखियो बच्चों, पता क्या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ए होंगी बच्चों, सूँ पता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, सूँ पता ये ए भी नोट इक्वल जीरो होंगे है ना, तो बी नोट इक्वल जीरो, मतलब कहने का मतलब पता क्या, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तुम पढ़ी पहले क्या होंगी, ए होंगी अपने को पता वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर आप पढ़िए बोलो जी, क्या बोलो जी, इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों क्या होंगी, ये होंगी अपने को एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म तुम्हें पता क्या, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है, क्लियर। तो बेटा जी ये पता क्या, ये तीनों जी चीज़ा ना, देखो असी करना क्या, अज असी जनरल इक्वेशन नो, ये जनरल इक्वेशन है, इन्हें ए ते बी, देखो ए जीरो हो सकता कोई दिक्कत नहीं, बी जीरो हो सकता कोई दिक्कत नहीं, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, ख्याल रखियो। ओके ठीक है बेटा। तो बच्चों अगे असी पता करना क्या, अज असी जनरल इक्वेशन नो चेंज करना, कभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म च है ना, कभी बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म च, एंड कभी बोलो जी क्या जी नॉर्मल फॉर्म च। पता क्या स्लो, देखो गल क्या है बेटा जी, एक गल सुनो ध्यान नाल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक पर्टिकुलर फॉर्म है, खास किस्म की फॉर्म है। ओके क्लियर, ठीक है। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म एक खास किस्म की फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म भी अभी एक खास किस्म की फॉर्म है, ठीक है। तो जी बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, जनरल आम इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, यही होंगी, ठीक है। असी करना क्या, असी बेटा एक बच्चों याद रखियो, ये सारिया फॉर्म्स चाहे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, चाहे बेटा जी इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो चाहे बेटा जी नॉर्मल फॉर्म है, ये सारिया फॉर्म्स आपस दे बिच क्या है, पता क्या है, क्या बोलो जी, आपस दे बिच इंटर कन्वर्टिबल है बेटा जी, क्या है, इंटर कन्वर्टिबल, ये ख्याल रखियो। बच्चों अभी क्लास स्टार्ट हुई बेटा, अभी क्लास स्टार्ट हुई, अभी हुई, अभी हुई। ओके हाँ, हुण थोड़ा मैं दस देना, पहले बच्चों तरीक नहीं, आज तरीक है हमारे पास 15, आई थिंक हाँ 15, ठीक है, हाँ जी। बच्चों ये गल ध्यान सुनो, तुम दसदा मैं गल चंगी तरह है ना, पहली गल तो रोज का रोज काम करना नाल नाल शुरू कर दियो, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, वह शायद भुलेखे जाए है ना, इदा ना हो उन्होंने फिर प्लस टू च जाण दा मौका ना मिले, क्लीयर है, फिर पछताओगे तुम सारे जने, ठीक है। सो बेटा जी पढ़ना शुरू कर दियो, पेपर होने होने हैं, पेपर होने वो भी ऑफलाइन होने,
इस गल ये गल कन्फर्म है। देखो कल सी बेटा जी, कल सीबीएसई ने थोड़ा दसदा बाद बाद में अपने सैंपल पेपर अपलोड करते। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहता कि असी पेपर लैके ही बच्चे पास करने, बिना पेपर ले आप बच्चे पास नहीं करने, रल नहीं निकालना। ओके हाँ जी बेटो, पता क्या, पहले द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बच्चों क्या है वो, अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, फिर ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी बोथ जीरो। ठीक है जी, पहली गल। बच्चों दूसरी बात क्या है, आपको पता है ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बच्चों क्या, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट बच्चों एम क्या है, एम है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों सी क्या है, सी है बाई इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट, ये ख्याल रखियो। अगे बच्चों तुम दसा मैं ध्यान नाल, बच्चों एक गल अपने ना चंगी तरह पल्ले बन लो हर हालत च, भई तुसी बिना पेपर दे पास नहीं होना। देखो कल ना सीबीएसई ने क्या किया, अपने सारे जिहड़े पेपर थे ना, है ना, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ओके, वो बच्चों सारे पेपर उन्होंने क्या किए, बोलो जी, अपलोड करते सैंपल पेपर। जो तो बेटा जी सैंपल पेपर एक बार अपलोड हो गए, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके, तो थोड़ा इस गल का पता, क्या बोलो जी, दो मिनट बच्चों, जो एक बार सैंपल पेपर अपलोड हो गए तो थोड़ा इस गल का पता, क्या बोलो जी, भी उन्होंने सारे दिते सब्जेक्टिव टेस्ट, क्या दिते, सब्जेक्टिव। जो बच्चों सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, इसका मतलब है पेपर ऑफलाइन उन्होंने लेने, उन्होंने ओके, उन्होंने स्पष्ट करता कि बिना पेपर लिया असी कोई बच्चा भी इस बार पास नहीं करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाद चो फिर प्रॉब्लम साढ़े हाड़े ना, जो मान योग सुप्रीम कोर्ट जी है ना, वो सानू अलाउ नहीं करते फिर बच्चे पास करने, तो दिक्कत आती, पेरेंट्स पेरेंट्स हाड़े को जवाब मंगते, पेपर होने होने और एक्चुअली पक्का होने, चाहे मार्च के लास्ट वीक हो, ओके, चाहे फर्स्ट वीक हो जाए, चाहे मिड 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 हो जाए, ठीक है, पेपर डेफिनेटली होंगे, पेपर लैके ही बच्चे ने पास होना। सो बच्चों पढ़ना शुरू कर दो एकदम, जदों स्कूल खोलने ना, एकदम स्कूल खोलने, क्लियर है, तो फिर बच्चों जो थोड़े को कुछ होया ना ना पढ़ने कुछ लिखने, तो क्योंकि इस बार तो थोड़ा कुछ लिखना पैना, यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, बिना लिखे आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। पहले तो था कि आप टिक मार करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो होगा नहीं ऐसे, अभी तो आपको क्वेश्चन बकायदा बताना पड़ेगा कि आपने कैसे किया। अगर आपके सभी स्टेप ठीक हुए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका कोई स्टेप गलत हुआ या कुछ हुआ, आंसर के मार्क्स नहीं, अभी अभी बेटा आंसर के मार्क्स नहीं है, अभी पूरे स्टेप्स के मार्क्स हैं। अगर सारे अगर सभी स्टेप ठीक हुए, आंसर भी ठीक हुआ, तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज जीरो मार्क्स मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा जी, पढ़ते रहो साथ साथ, जब जो भी टीचर करते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, जो जो भी आपकी क्लास लग रही है, किसी जहां भी बच्चे हो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लीज प्लीज आप अच्छी तरह पढ़ो, नोट्स बनाओ, ताकि जब भी आप स्कूल खुले, एग्जाम हो, तो आपके पास लिखने को कुछ हो, ठीक है। हाँ लो बेटा, देयरफॉर बच्चों हमने पढ़ी बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एम क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन, बच्चों सी क्या हमारे पास, बाई इंटरसेप्ट। ओके क्लियर, अभी अगर मैं इसको ड्रा करूं,
तो कैसे होगा जी? x डैश बाई y डैश, ओके। तो बच्चों अभी आपके पास देखना, जे लाइन है, जे लाइन है, जे उसका एंगल है थीटा और जे उसका बाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। कहते हैं ए इसको, हम कह लें जीरो सी, जे उसका सी बाई इंटरसेप्ट, अभी समझे। और एम कितना होता है पता आपको? कितना होता है? टेन थीटा। और जे ही बेटा जी क्या आपका क्या है? स्लोप है। क्या है जी बेटा जी आपका क्या है? स्लोप। तो लाइन की क्वेश्चन कितनी होगी जी? होगी हमारे देखो कितनी होगी, बाई इज इक्वल टू बट इज एम, बच्चों एम स्लोप है प्लस बट इज सी, ठीक है। जे जे स्लोप है और जे क्या है? बाई इंटरसेप्ट। बच्चों प्लस टू की क्लास 6:15 बजे है, 6:30। बच्चों नहर महक जी प्लस टू की क्लास 6:30 बजे है, 6:30 पे जे क्लास प्लस वन की है। बच्चों पिक्चर क्लियर है? बच्चों बताओ पिक्चर क्लियर आ रही है आपको? बेटा जी बताओ कि पिक्चर क्लियर आ रही है आपको? बताओ जरा, शाबाश, जल्दी बताओ। बच्चों बीच में बताते रहोगे आवाज सही आ रही है, ये भी बताते रहोगे कि आपको आवाज सही आ रही है। पलक आवाज ऑडियो कैसी है बेटा? नंबर टू, इंटरसेप्ट फोरम। ठीक है, ये क्या होती है बेटो? एक्स ओवर ए प्लस बाई ओवर बी इट इज इक्वल टू वन। ओके, अभी मैं इसको बना रहा हूं, इसकी फिगर एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। अभी बेटा ये आपकी लाइन है, ठीक है जी, क्लियर। ये आपके पास है पॉइंट ए ए जीरो और ये आपके पास है पॉइंट बी जीरो बी। ये आपका ओरिजिन है जीरो जीरो, ठीक है, और जे आपका एक्स इंटरसेप्ट। दो मिनट रुकना जरा, बच्चा जे आपका एक्स इंटरसेप्ट और जे आपका बाई इंटरसेप्ट, क्लियर है। और अभी बेटा जे आपकी और देखना, ये आपकी लाइन एक्स ओवर ए प्लस बाई ओवर बी इट इज इक्वल टू वन, ठीक है, क्लियर। मतलब एक्स के नीचे क्या आया? अभी देखो एक्स के नीचे क्या आया बच्चों? एक्स के नीचे क्या आया? वो आया एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, यही आया ना। प्लस बाई के नीचे क्या आया बच्चों? बाई के नीचे आया बाई इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू, बच्चों कितना आया? इट इज इक्वल टू, हां जी इट इज इक्वल टू वन।
अगित। एक पेज रह गया, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो, बच्चों क्वेश्चन क्या अभी? आ देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन आपका जो आ रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0, फाइंड इट्स स्लोप नंबर टू x एंड बाय इंटरसेप्ट। बच्चों पहले बताता हूं आपको, देखो दो तरीके है, आ जाता हूं, ठीक है। अभी एक बात नोट रखो ध्यान से, पता क्या, देखो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो दिया हो आपको, मान लो जे दिया हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देयर फोर पता स्लोप कितना आता है इसका, स्लोप इज इक्वल टू एम, वो आता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस ए ओवर बी। एक तो ये तरीका आपका, चेतन शर्मा स्लोप थ्री गलत है, गलत गलत। तो देयर फोर, तो बच्चों इसका स्लोप कितना आया बताओ, इसका स्लोप आया एम इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर माइनस फोर, इट इज इक्वल टू 3/4। बच्चों पहले वीडियो लाइक करो, बच्चों पहले वीडियो को लाइक करो फिर मैं चलूंगा आगे, पहले आप वीडियो को लाइक करो फिर चलूंगा बच्चों आगे, मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं आगे मैं। पहले बच्चों वीडियो को लाइक करो, हरी आप। पहले बेटा जी वीडियो को लाइक करो फिर चलूंगा आगे मैं। ओके बच्चों अब क्वेश्चन देखो, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बच्चों वो हमारे पास क्या है, वो हमारा 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0, 3x माइनस 4y आगे बेटा जी प्लस 10 इक्वल 0, प्लस 10 इक्वल 0, प्लस 10 इक्वल 0 नंबर वन। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज, बच्चों एम कितना आएगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, इट इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर माइनस फोर, इट इज इक्वल टू 3/4। पहली बात होगी, पता आगे एक पूछा क्या उसने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पता पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
कि आपको निकालना एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ऐसे करें इसको बदल लें इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखो मैं बदलूंगा इसको, ओके किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखना नंबर टू, द गिवन नंबर टू, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब मैं बदलूंगा बच्चों इस, मैं बदलूंगा इसमें किसमें, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 92। जो x के नीचे आएगा वो होगा x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आएगा वो क्या होगा y इंटरसेप्ट, क्या दिक्कत है। ओके ठीक है, अब देखो देयरफॉर देयरफॉर 3x माइनस 4y इट इज इक्वल टू माइनस 10। आपको पता है कि लाइन ये होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इट इज इक्वल टू 1, इधर 1 होता है ठीक है, होने दो, दोनों तरफ आप डिवाइड करो माइनस 10 से, माइनस 10 से ताकि उधर क्या आ जाए, उधर आ जाए 1 आ जाए। आप समझे, इधर 1 ले जाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस 1 से माइनस 10 से डिवाइड कर दिया, देयरफॉर कितना आ गया x ओवर, अब देखो ये आ गया माइनस 10 ओवर 3, इधर ये कैंसिल हो गए प्लस आ गया y ओवर 10 इट इज इक्वल टू 1 ठीक है, विच इज ऑफ द फोरम, विच इज ऑफ द फोरम, कौन सी फोरम है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, भेर बेटा भेर देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 3 है एंड b इज इक्वल टू 10 है, तो देयरफॉर बेटा जी x इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 3 एंड बाय इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू 10। ओके बेटा को डाउट, अभी सुरेश बिहाल है, ईशान कन्वर, सुरेश बिहाल, ईशान कन्वर, सानिया, कोमल, पलक, दूसरी पलक कामनी है, पलक, चेतना, अनमोल, साहिल, साहिल फ्रॉम गेरा है, साहिल फ्रॉम गेरा है, साहिल फ्रॉम गेरा, पलक, पलक, भरत शर्मा, भरत, दिनेश, तानिश, पलक इन्होंने रिमूव कर दे, पलक, पलक इन्होंने रिमूव कर दे दोनों, अंशु भी नहीं है, अंशु नहीं है ना, है अच्छा 10 में 4 है ऊपर, ओ सॉरी बच्चों ठीक है ठीक है, ऊपर 4 है, रुको रुको बेटा जे 4 है नीचे 4 आएगा, सॉरी दिखा नहीं मैंने, बिल्कुल 10 बाय 4 आना,
बच्चों लगा दिया सॉरी सॉरी, देखा नहीं मैंने फोर, देखा नहीं बच्चों फोर था, जे फोर मैंने लगा दिया, नीचे आना था, रियली सॉरी बच्चों, लगा दिया नीचे फोर। हाँ सो ए आ गया फोर, ठीक है, काट के आ गया कितना जी, फाइव बाय टू, आ गया सुरेश बयाल। सुरेश बयाल तू गया ही बच्चों, ख्याल रखी मैं कर देने बार, मैं लोड़ ही नहीं दी। ठीक है अगे देखो बच्चों, नेक्स्ट हो गया, अब देखो आगे, पता आगे के बच्चों क्या है, अब देखो ध्यान से, इसके पहले हम करें है ना, ये तो हमारा हो ही गया क्लियर, ठीक है। अभी पता क्या, हाँ ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मिस्टर बिने, मिस्टर बिने सागर, ठीक है बच्चों वो आपको पता है क्या होती है, देखो ध्यान से, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये लाइन है ओरिजिन, गर्भपुरी ओ एम, जे पी जे ओमेगा, ठीक है जी। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन क्या आती है, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी बेटा जी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, आगे नेक्स्ट x x डैश बाई बाई डैश, अब अगर लाइन इधर हो तो बच्चों जे आएगा आपका परपेंडिकुलर, क्लियर, जे आएगा ओरिजिन, जे आपका एम, जे आपकी लेंथ पी, जे आपका एंगल इससे आएगा एक्स एक्सिस से, जे ओमेगा, ओके। तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ गई, आएगी वही एक्स कोस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, आगे थर्ड वन, आ देखो इधर को थोड़ा इधर आएगा, x
एक्स डैश बाई वाई डैश, जे लाइन है, ओके क्लियर, ओ जीरो जीरो, ठीक है बेटा। अभी अभी देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जे आपका परपेंडिकुलर है, जे आपका एम है, ओके, और बेटा जी जे आपका क्या है, ओमेगा। अभी क्या है कि लाइन क्वेश्चन, एक्स आएगी बही बाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, जे लेंथ ऑफ पी है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे देखो, लास्ट वन, एक्स एक्स डैश बाई एंड बाई डैश, ठीक है। अभी जे लाइन है आपकी, दिस वन, ठीक है जी, जे आपका ओरिजिन है, ओ जीरो जीरो, जे आपका एम परपेंडिकुलर, जे उसकी लेंथ, और जे क्या बोलो जी आपका एंगल। तो लाइन की क्वेश्चन तो भैया आएगी, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। बच्चों पहली बात याद रखना, नंबर वन, पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पी इज जे डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर टू, जो आपका ओमेगा है ना, ओमेगा ए लाई करेगा आपका फ्रॉम जीरो डिग्री से 360 डिग्री तक, जे बातें ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्लियर। अभी आपको लग गई पता नॉर्मल फॉर्म, बच्चों लग गई पता, अभी आपको लग गया पता बच्चों नॉर्मल फॉर्म लग गई, क्लियर है। हाँ, जो आपका पी है वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, और बेटा जो ओमेगा है आपका वो लाई करेगा फ्रॉम जीरो डिग्री टू 360 डिग्री, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। बच्चों आवाज आ रही है आपको, अब बताओ, अभी जे क्वेश्चन है, आ देखो, रिड्यूस द इक्वेशन दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड ओमेगा, ओके क्लियर। बच्चों पी की वैल्यू निकालेंगे हम, ओके, एंड ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, एंड व्हाट इज पी बेटा, व्हाट इज पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, बेटा व्हाट इज पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ सॉरी लाइन इज नॉर्मल, फिर सुन लो बेटो, व्हाट इज पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द लाइन, एंड नॉर्मल टू द लाइन, ओके ओके कर्नल भारद्वाज, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है शाबाश। अब पता क्या, अब करने कैसे, अब दिखना ध्यान से, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। The given equation of the
लाइन इज, है ना बच्चों, है क्या स्केयर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। करना कैसे बताता हूं आपको, करना कैसे है, आप सुनो मेरी बात, आप करो कैसे बच्चों, ए स्टेप ध्यान रखना इस। होता क्या है आपको लाइन पता क्या होती है, एक्स कोस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पहली बात पता क्या करना आपने, आपको जे रखना इधर, स्केयर रूट 3x देयरफॉर स्केयर रूट 3x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 8। अगर 8 ना, हाँ जे पॉजिटिव ही है, अगर जे नेगेटिव हो फिर दिक्कत है, अभी तक जे पॉजिटिव है, ओके अभी तक जे पॉजिटिव ठीक है, जब जे पॉजिटिव है ना फिर आपने करना क्या, डिवाइडिंग, देयरफॉर बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, आपने पहले लेना कोफिशियंट ऑफ एक्स उसका स्केयर, फिर लेना कोफिशियंट ऑफ वाई वो वन है उसका स्केयर, और उसका लेना आपने स्केयर रूट, कितना आया 3 प्लस 1 और जे आया 2। बी गेट देयरफॉर बच्चों कितना था हमारे पास, था कितना स्केयर रूट 3x है ना, सॉरी देयरफॉर हमारे पास था स्केयर रूट 3x। एक तो बच्चों बड़ी दिक्कत है, देयरफॉर स्केयर रूट 3/2x प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 8/2 अब जी आया, देयरफॉर स्केयर रूट 3/2x प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 4। क्या आया 4। अब इसको नंबर डालो इसको 1, कंपेयरिंग इट विद एक्स कोस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू पी। बी गेट बच्चों कोस ओमेगा स्केयर रूट 3/2 एंड साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू 1/2 और देखो दोनों पॉजिटिव है बच्चों, आप बताओ कि साइन और कोस दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, बड़ा सिंपल है, फर्स्ट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, फर्स्ट में, तो देयरफॉर बेटा जी ओमेगा इज इक्वल टू, पता कितना आ गया बेटा, बोलो कितना आ गया, शाबाश इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, तो देयरफॉर एक्स कोस 30 डिग्री प्लस बाई साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 4। इट इज इक्वल टू 4, ये आपकी लाइन आ गई, क्या आ गई आपकी लाइन, तो देयरफॉर आपको पता चल गया ओमेगा हमारे पास 30 डिग्री है एंड पी हमारे पास 4 है।
ठीक है बेटा। अभी पता क्या, अभी बताता हूं आपको बड़े अच्छे से। मैं ना यही क्वेश्चन को बच्चों, इसी क्वेश्चन को अब करने लगा हूं बदल बदल के। बच्चों क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, अब मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा बदल बदल के। कैसे करेंगे अब बताता हूं आपको, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मैं यही करूंगा लेकिन इसी को करूंगा बदल बदल के, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ओमेगा कैसे निकालना है, ओमेगा कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, बिने अब देख ग्रह पूरी है या नहीं है, बिने देख ग्रह पूरी है या नहीं है। ओके अब देखो, सुनो देयरफॉर बच्चों, नंबर वन में लिखने लगा हूं। पहले था हमारे पास के रूट थ्री एक्स, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू एट। ये तो मैं कर चुका हूं, अब मैं लगा बदल लें कैसे, माइनस स्केयर रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट नंबर थ्री। ओके क्लियर बच्चों, स्केयर रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस एट इक्वल जीरो एंड नंबर फोर। क्या बोलो जी, स्केयर रूट थ्री एक्स ठीक है प्लस वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। ओके ठीक है, अभी ये देखो ध्यान देखना ध्यान से बच्चों, अभी देखना ध्यान से। ये तो सेम हो गया ना, ये सेम नहीं हो गया, आई थिंक ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। इसको ऐसे करो माइनस कर लो, इसको कर लो माइनस दोनों को, ठीक है नहीं दोनों को माइनस, इसको ऐसे इसको रुको 2 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, करते हैं सही। अभी दोनों को सही करते हैं बेटा, दोनों को करते हैं सही। प्लस एट है ना, जे माइनस थ्री इट इज इक्वल टू, जे प्लस रहने दो जी, इसको एट कर दो, ठीक है। अभी इसको हम करते हैं इक्वल टू, इक्वल टू चलो प्लस एट, प्लस एट, प्लस एट करते हैं, प्लस एट करते हैं ताकि सभी क्वेश्चन हो जाए बेटा, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी जे हमारे पास प्लस एट इक्वल टू जीरो। अभी देखो जे हो चुका पहला, अब देखो कैसे करते हैं बच्चों, जे एग्जाम में पक्का आएगा नंबर सेकंड। द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज बच्चों माइनस स्केयर रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। ये तो है ही एट है, इधर तो एट एट पॉजिटिव ही है। अभी करना क्या आपको, अभी वही करना आपको, डिवाइडिंग देयर फोर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस स्केयर रूट थ्री एक्स का स्केयर प्लस वन का स्केयर इसका स्केयर रूट इट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन इट इज इक्वल टू टू बी गेट माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू बाई इट इज इक्वल टू एट बाय टू। देयरफॉर माइनस स्केयर रूट थ्री बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू बाई इट इज इक्वल टू फोर। बच्चों इसको पाओ आप नंबर वन, डाला नंबर वन, हाँ अब करो इसको कंपेयर। देयरफॉर कंपेयरिंग विद एक्स कोस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा इक्वल टू पी बी गेट। बच्चों अब आप बताओगे मेरे को, क्या बोलो जी
आपका कितना आया कोस ओमेगा, कितना आया माइनस के रूट थ्री बाय टू, और कितना आया साइन ओमेगा, इट इज इक्वल टू वन बाय टू। ओके क्लियर, ये आ गया। और पी कितना आया, पी इक्वल टू फोर, वो तो पॉजिटिव है ही है। अब बताओ कि कोस नेगेटिव एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, साइन पॉजिटिव है कोस नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सी, सेकंड। देखो कोस, जे साइन पॉजिटिव है कोस क्या है नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों पता आपने करना क्या, सबसे पहले आपने, सुनो मेरी बात, आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक बच्चों, ट्रिक ये है कि आपने करना क्या है, आपने पहले देखना कि क्वाड्रेंट कौन सी है, आपने पहले क्या देखना कि क्वाड्रेंट कौन सी है। हमें लग गया पता कि साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, क्लियर है, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट पक्का बच्चों सेकंड हुई, क्या हुई सेकंड। अभी क्या करना आपने, अब सेकंड है ओमेगा कैसे लेना, बच्चों पता क्या, एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप देखना ऊपर, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, जो लिखूंगा आप ध्यान रखना उस बात का, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं आपको, पहले लिखूंगा फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर। मैंने काफी ट्रिक पहले भी आपको बताए हुए थे बच्चों, फर्स्ट में आप लोगे थीटा, सेकंड में लोगे आप 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड में बेटा जी आप लोगे 180 डिग्री प्लस थीटा, और फोर्थ में लोगे आप 360 डिग्री माइनस थीटा, एक बात ठीक है बेटा, ठीक है जी, हाँ बेटा, फर्स्ट में थीटा, बच्चों फर्स्ट में थीटा, सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 डिग्री प्लस थीटा, और फोर्थ में बेटा जी 360 डिग्री माइनस थीटा, बस ओके क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब ये तो हो गया, अभी क्या करना है, अभी आपने करना, अभी आपने, सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, डिवाइड नहीं कभी करना, अभी क्या करना आपने, आपने सिर्फ ते सिर्फ, आपको लग गया ना पता, आपने पहचान ली कि कौन सी क्वाड्रेंट है, आपको लग गया पता, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ साइन पे ध्यान देना, किस पे ध्यान देना, साइन पे, बस फोकस ऑन साइन, बस अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना साइन पे, ओके। साइन आपका वन बाय टू है, क्या है साइन आपका, और अगर मान लो कि माइनस वन बाय टू भी होता तो पहले मैं नेगेटिव को गोली मारता, बस अभी आप साइन की तरफ ध्यान दोगे, अगर वहां पे नेगेटिव लगा हो तो पहले नेगेटिव को गोली मारो, आप छोड़ दो उसे, आपने नेगेटिव लेना उसका, सिर्फ अपने दिमाग में, सिर्फ अपने माइंड में क्या करना आपने, आपको लग गया पता कि क्वाड्रेंट है सेकंड, उसके बाद आपने साइन पे कंसंट्रेट करना, अगर उसके साथ नेगेटिव लगा हो वो छोड़ देना आपने, उसको वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये साइन ओमेगा है वन बाय टू, हमें पता है वन बाय टू कितना होता है, साइन ओमेगा वन बाय टू कितना होता है, थर्टी डिग्री, क्या कितना होता है, थर्टी डिग्री, अगर थर्टी होता है लेना हमने सेकंड में है तो वो कितना आएगा, वन एट्टी माइनस थर्टी, हाँ ये बात है सारा ख्याल। देयरफॉर ओमेगा कितना आएगा, वन एट्टी डिग्री माइनस थर्टी डिग्री, इट इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री, पी तो आपके पास है ही है, फोर आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। एक्स बच्चों समझ आ गया, देयरफॉर एक्स कोस 150 डिग्री प्लस बाई साइन 150 डिग्री, इट इज इक्वल टू फोर, बिल्कुल आप जिसमें मर्जी लिख लो, आप लिख लो क्या बोला उसमें रेडियन में लिख लो या डिग्री में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो आप आ गया, आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बच्चों जे आपके लिए होमवर्क है, कौन सा जे आपके लिए होमवर्क? थर्ड वन। फोर्थ वन मैं करने जा रहा हूं बच्चों, फोर्थ वन मैं करने जा रहा हूं, लेकिन अभी पता मेरा टाइम होने वाला है, क्लास मेरी प्लस टू की भी है, ठीक है अभी है टाइम, ठीक है 6-8 हुए, कोई दिक्कत नहीं। निताशा बेटा, निताशा एक बार बोल दो ग्रुप में कि जिन्होंने क्लास मिस की हुई ना भी लगा लो, मैंने जब रिमूव कर दिया ना तो रिमूव ही रहेगा बेटा फिर वो, ठीक है रिमूव फ्रॉम होल प्लस वन। अभी नंबर फोर, देयरफोर देयरफोर द गिवन द क्वेश्चन ऑफ लाइन इज, बच्चों कितना ओहो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बच्चों कितना वो कितनी लाइन है? स्केयर रूट 3x प्लस y प्लस 8 इक्वल 0, स्केयर रूट 3x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर स्केयर रूट 3x, पहला काम क्या है? पहला काम है इसको इधर लेके जाना, लो जी ये आ गया नेगेटिव, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, अगर नेगेटिव आ जाए फिर दिक्कत तो है ही है ना। अभी क्या करोगे आप? अभी करोगे इसको आपने करना प्लस में, क्या करना प्लस में, देयरफॉर आप दोनों तरफ नेगेटिव से करोगे मल्टीप्लाई, ये आ गया प्लस 8। नोट दिस स्टेप, तो देयरफॉर माइनस थ्री माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस y इक्वल टू 8, माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस y इज इक्वल टू 8, इसको बन डाल लो, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस वन स्केयर, इसका स्केयर रूट कितना आया 3 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 2 बी गेट, तो देयरफॉर स्केयर रूट 3/2 साथ में एक्स प्लस माइनस 1/2 बाई इज इक्वल टू 8/2, तो देयरफॉर स्केयर रूट 3/2 साथ में एक्स प्लस माइनस 1/2 बाई इज इक्वल टू 4 नंबर 2। ओके ओके थैंक यू निताशा। कंपेयरिंग टू विद एक्स कोस ओमेगा प्लस साइन बाई ओमेगा इक्वल टू पी बी गेट, बच्चों कितना आ गया आप बोलो, देयरफॉर
कोस ओमेगा इट इज इक्वल टू माइनस के रूट थ्री बाय टू माइनस स्केयर रूट थ्री बाय टू साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू साइन ओमेगा इट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो बच्चों पी इज इक्वल टू फोर। अभी आप बताओ ये डल पता नहीं क्यों क्यों आ रहा है आज ना, दिक्कत क्यों आ रही है। अभी बेटा आप बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सी आनी है, बोलोगे शाबाश एक्स एक्स डैश बाई एंड बाई डैश। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है जो बच्चे बोल रहे हैं, दौड़ बच्चों दौड़ना, बिल्कुल सही बात है, बच्चों ने सही से गेस किया। अभी बच्चों स्टेप शुरू होता है मेन, अब बताता हूं आपको स्टेप क्या है वो। पहले हम ड्रा करने क्वाड्रेंट्स, ये हो गया एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, कोस भी नेगेटिव साइन नेगेटिव, बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आपको पता है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि फर्स्ट में थीटा, सेकंड में 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड में 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड बेटा जी फोर्थ में आपको पता है कितना जी 360 डिग्री माइनस थीटा। अभी आपने फोकस करना इधर, इसको मारनी आपने गोली, फोकस करना बेटा आपने किधर करना फोकस, फोकस करोगे आप बेटा साइन पे नेगेटिव छोड़ के, आपको देखना सिर्फ ये 1/2 है बस, ये 1/2 है तो देर फोर ओमेगा कितना आया बच्चों, 1/2 होता है 30 डिग्री, लेकिन लेना हमने कहा है थर्ड में, वो होगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो देर फोर ओमेगा इट इज इक्वल टू 210 डिग्री। ओके क्लियर, तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन इज बच्चों एक्स कोस 210 डिग्री प्लस बाई साइन 210 डिग्री इक्वल टू 4। अभी ठीक है बेटा, बेटा अभी ठीक है समझ आ गया सारा आपको पता है कि देखो आज हमने क्या किया बताता हूं आपको। बच्चों पहली बात ये समझ लो कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, इसकी एक ही कंडीशन है कि ए एंड बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, बच्चों ए एंड बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। ना ठीक है, तो बच्चों उसके बाद क्या है, उसके बाद पता क्या बेटा, उसके बाद ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों वो क्या होती है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपको पता है कि इधर एम क्या, एम स्लोप ऑफ लाइन है एंड सी इज क्या है बाई इंटरसेप्ट। बच्चों थर्ड फॉर्म क्या है, बहुत ही हमारे स्पेशल फॉर्म वो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ही एक्स ओवर ए प्लस बाई और बी इक्वल टू वन, इधर ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट और बी बच्चों क्या है बाई इंटरसेप्ट। बच्चों तीसरी जो थी ना मेजर वो है नॉर्मल फॉर्म, इसको हम कहते हैं जा कहते हैं हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है जा नॉर्मल फॉर्म जा परपेंडिकुलर फॉर्म एक ही बात है। बच्चों एक्स कोस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, हियर पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड व्हाट इज बच्चों व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
ओके ठीक है जे बेटा जी, आप मैंने आपको चारों केस करा दिए, एक मैंने आपको दिया होमवर्क, तीन मैंने करवा दिए, ओके। आपको करना क्या है कि कॉन्स्टेंट टर्म आपको राइट हैंड साइड लेके जानी है, एक बात पक्का, जब आप कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जाओगे ना, तो बेटा जी उस पता क्या होगा, उस टाइम एक बात रखना कि जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है दैट शुड बी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो आपको पता है मामला गड़बड़ है, मैंने जो लिखा, फिर आप दोनों तरफ नेगेटिव से कर दो मल्टीप्लाई ताकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ जाए। और आपको पता है कि अगर अगर आप अगर आपकी जो क्वाड्रेंट फर्स्ट आए तो बच्चों आपने थीटा लेना है, अगर सेकंड आए तो आपने लेना 180 माइनस थीटा, अगर थर्ड आए तो आपने लेना 180 प्लस थीटा, अगर फोर्थ आए आपने लेना 360 माइनस थीटा। और हर बार आपने फोकस करना साइन पे, क्लियर ठीक है, वो इसलिए कि साइन थोड़ा इजी होता है ना दिखना, ठीक है, साइन पे फोकस करोगे और नेगेटिव को छोड़ोगे आप, वो नहीं देखना अपना, साइन के साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगाओ वो छोड़ दो आप, जस्ट देखो साइन के साथ साइन की वैल्यू कितनी है, वो एंगल निकालो, अगर आपका फर्स्ट में है तो वही एंगल आपका ओमेगा है, अगर सेकंड में है तो बच्चों ओमेगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, अगर थर्ड में है तो 180 डिग्री प्लस थीटा है, अगर फोर्थ में है तो बेटा वो कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ये सभी फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है, मतलब एक से दूसरी, जैसे पता आपको पता है ना, जैसे रुपीज है, मनी है, बच्चों मनी के कई यूनिट्स हैं, रुपीज है, डॉलर है, दिनार है, जेन है, ओके ठीक है, ठीक है, पाउंड्स है, तो बच्चों ये सभी रुपीज के जो यूनिट्स है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, जैसे हम एंगल नहीं कर देखते थे, हमने एंगल पढ़ा रेडियन में, एंगल पढ़ा ग्रेड्स में, एंगल पढ़ा डिग्रीज में, और सभी यूनिट्स आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल। इसी तरह बेटा जी क्या बोलो जी, ये सभी फॉर्म ऑफ लाइंस आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल। और कल को बेटा हम करेंगे, कल को क्या पढ़ना हमने, कल को बेटा संडे है लेकिन क्लास लगेगी, कल चाहे संडे है लेकिन क्लास लगेगी आपकी, 2 घंटे की क्लास, ठीक है, कल को मैंने हर हाल में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म करनी है, एक बात करना बच्चों, आपकी मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज हर हाल में कल खत्म करनी है, ठीक है। तो बच्चों कल पढ़ेंगे हम किसी पॉइंट से किसी लाइन तक हम कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि दो लाइंस के बीच हम कैसे निकालते हैं एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर, ये पढ़ के आना अच्छे से, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे, क्लियर, आप कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ो, पढ़ते रहो, नाले कोशिश करते रहो, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके बच्चों, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ठीक है होम, ठीक है, जिदा उधर रहे हो, बल्कि बच्चों इससे बने हटे कटे, बच पढ़े हो जरूर नाले, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।